हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर जेल में फिर मिले मोबाइल, 8 मोबाइल, 6 सिम, 9 चार्जर, 11 ईयरफोन, बीड़ी के 9 पैकेट, 5 हीटर व चाकू बरामद। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सघन तलाशी लेकर 8 मोबाइल, 6 सिम, 9 चार्जर, 11 ईयरफोन के साथ एक चाकू भी जब्त किया। इनमें से एक मोबाइल एक कैदी के पास और शेष सामग्री लावारिस मिले। राधानाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। राधानाड़ा थाना अधिकारी रमेश शर्मा ने बताया कि जेल में बंदी व कैदियों के प्रत्येक बैरिक और वार्ड को खंगाला गया। तब बनाड निवासी कैदी असलम से एक मोबाइल जब्त किया गया, जबकि अन्य बैरकों में लावारिस हालत में छुपा कर रखे 7 अन्य मोबाइल, 6 सिम, 11 ईयरफोन, 5 हीटर व हीटर की 6 स्प्रिंग, एक ब्लूटूथ, एक बैटरी, बीड़ी के 9 बंडल, एक पेचकस व एक चाकू जब्त किया गया। जेल अधीक्षक की शिकायत पर असलम व अज्ञात बंदियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। गौरतलब है कि पुलिस ने पिछले 15 दिन में जेल की तीसरी मर्तबा तलाशी लेकर मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में जेल में जो भी प्रतिबंधित सामग्रियां मिलती हैं उसका एक विशेष रूप से अभियान का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें एडिशनल DCP ईस्ट के नेतृत्व में 3 सर्किल के ACPs और उनके SHO राधानाड़ा के साथ आज भी उसी क्रम में एक आकस्मिक सर्च अभियान किया गया, जिसमें 8 मोबाइल, 6 सिम, 9 चार्जर, 11 ईयरफोन, 5 हीटर और 6 हीटर की स्प्रिंग, 2 चार्जर पिन और बीडी के मंडल सहित कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली प्रतिबंधित। उनकी रिपोर्ट जेलर को दे दी, जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया राधानाड़ा थाना में और इसके संबंध में अनुसंधान जारी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।